गुन्नौर थाना क्षेत्र के पुलिस ने 7 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वाहन चोरों के कब्जे से पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल के साथ ही बाइक पार्ट्स भी बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए वाहन चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया है। जनपद संभल के थाना गुन्नौर पुलिस ने 7 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वाहन चोरों के कब्जे से पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल के साथ ही बाइक के पार्ट्स भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि गुन्नौर थाना पुलिस की जनसुनवाई सरकारी अस्पताल काशी रोड के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान काशी रोड मोड़ पर की ओर से आ रही मोटरसाइकिल को रोका और बाइक सवार राजवीर भुकनेश जुगेंद्र बोलासी अनिल लालाराम को पकड़ लिया। इन आरोपियों से पूछताछ की तो बाइक सवार लोगों ने चोरी की होना स्वीकार की। पुलिस ने बाइक सवार लोगों से सख्ती से पूछताछ की तो बताया कि फर्जी कागजात बनाकर नंबर बदलकर उचित दामों पर दी है, डिमांड अनुसार 10 से 20 हज़ार रुपए में बेच देते हैं। रिपोर्ट बाय इस्लाम अली, समाचार इंडिया न्यूज संभल। रोडवेज के सड़े एरिया से वहाँ पे सूचना मिली थी पुलिस को कि कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठा हैं और चोरी की बाइक लेकर के जा रहे हैं। जब इनको घेराबंदी किया गया तो ये 7 व्यक्ति मिले वहाँ पे। 7 लोगों ने एक पूरा गैंग बना रखा था जो अंतर्राज्यीय रूप से ऑपरेट कर रहा था। ये दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और अमरोहा, बदायूं आदि जगहों से बाइकें चुराता था, उसके पार्ट्स को चेंज करता था, उसके फर्जी नंबर बनवाता था और उसको फिर बेचता था। इनके पास से अभी 5 बाइक बरामद हुई है और कई कलपुर्जे भी बरामद हुए हैं, बाइक के पार्ट्स बरामद हुए हैं। और इन सभी को जब पूछा गया तो ये मॉल के, हॉस्पिटल के आसपास से जा करके पहले रेकी करते थे। कोई व्यक्ति खड़ा करके बाइक चला गया तो उसको वहाँ मास्टर की लगा करके वहाँ से उठा लेते थे और ला करके ये उसका पार्ट्स बदल देते थे। पार्ट्स बदलने के बाद 15 से 20 हज़ार रुपये में ये उसको बेच दिया करते थे। अब ये पूरा गैंग पकड़ा गया है, 7 लोगों का गैंग है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।